पौड़ी शहर में बस अड्डे के पास माल रोड पर भू दशाव को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश उस समय बढ़ गया जब लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता दिनेश चंद्र नौटियाल के द्वारा भू दशाव को मिट्टी पत्थर डालकर लीपा पोती की गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि विभाग के कर्मचारियों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो मीडिया को इस बात की गारंटी देने लगे कि इस पर कोई हादसा नहीं होगा और वो लिख कर देखते हैं। मतलब अधिशासी अभियंता जी को सब पता है, वो अंतर्यामी है, दूरगामी है, यहाँ तक कि इतने स्पष्ट है कि लिख कर देने को भी तैयार हो गए। मरेगा तो मैं जिम्मेदार हूँ भाई, मैं जिम्मेदार लिख के दूँ, ना लिख के दूँ मैं जिम्मेदार। अधिशासी अभियंता दिनेश चंद्र नौटियाल के अड़ियल रवैये के चलते मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि विधायक राजकुमार पुरी को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। खूब हंगामा हुआ, जाम भी लग गया, उसमें एम्बुलेंस भी फंस गई, सब माथा पीटते रहे, लेकिन अभियंता जी हादसा न होने की गारंटी देकर वहां से निकल पड़े। फोन करके बुलाया था, उस समय तो उन्होंने बिल्कुल मना किया कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, हम व्यवस्था करवा रहे हैं और हमने अपने कर्मचारी भेज रखे हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ जेई से आ रखे थे और जेई से हमने जब पूछा तो वो रेत और मिट्टी लेकर आ रखा था, इसलिए हमने एक्शन को बुलाया था कि आप आओ और आप जवाब दो यहाँ पर। तो फिर जब विधायक जी आए तो विधायक जी के कहने से उनको बुलाया गया, तब वो व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं। जब उनकी अभी बाइट लेना चाह रहे थे, उनके विचार जानना चाह रहे थे, तो वो सीधे हिकड़ी दिखा रहे हैं कि वो हमारी मर्जी है, हम नहीं देते हैं, कोई बात है ये चले गए गाड़ी में कि तुमने जो करना है कर लो, यहाँ राजनीति कर रहे हैं। अगर पौड़ी की जनता राजनीति करने वाली होती तो आज पौड़ी की ये दुर्दशा नहीं होती। जब मैं सुबह नीचे उतरा तो यहाँ पर जो है पूरा बहुत बड़ा गड्ढा था, यहाँ जो है जेई और एईपीडब्ल्यूडी के एक छोटी गाड़ी मिट्टी भर के लाए और उन्होंने वो मिट्टी यहाँ डाल दी, तो मैंने उसका विरोध किया कि भाई जब ये इतना बड़ा गड्ढा है तो इसमें मिट्टी क्यों भर रहे हो, वो एई जो है अपनी गाड़ी में बैठ गया, आर के वास्तव है कोई, तो जब मैंने उसकी गाड़ी नोक की तो बात करने को तैयार ही नहीं और वो फिर हमसे बदतमीजी करने लगा कि आप हमको कुछ नहीं बोल सकते, आप जो है कुछ नहीं कर सकते, आपने जो कुछ करना है कर लीजिए। तो ये यहाँ के पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की हालत है, हम तो इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई इसमें यदि अगर आप टेम्परेरी व्यवस्था भी कर रहे हैं तो आप पत्थर भरिए, इससे लोड ट्रक कैसे जाएंगे, इसमें मिट्टी में लोड ट्रक जाएंगे। पौड़ी एक ऐसा शहर है जब तक यहाँ कोई हादसा नहीं होता है तब तक प्रशासन हो चाहे पीआईपी हो चाहे कोई, तब तक शुद्ध कोई नहीं लेता। अभी आपको पता होगा कि कुछ सालों बाद जो है, कुछ साल पहले यहाँ पर रैलिंग नहीं थे और एक आदमी चाहे वो नशे में था चाहे जैसे भी, जब उसको झोंक पड़ा तो नीचे गिरा और मर गया वो, उसके बाद नगर पालिका को होश आया कि यहाँ पे रैलिंग लगानी है। अभी भी आप इन खोखों के पीछे देखेंगे तो यहाँ बहुत भयंकर स्थिति यहाँ पर है, यहाँ पर लोग झूलते रहते हैं और पीछे रैलिंग है नहीं। संबंध में एक्शन को बुलाया है अभी और यहाँ पर आएंगे और इस कार्य को जो है तुरंत करवाएंगे, क्योंकि ये सभी की समस्या है और मैं हमेशा जनता के साथ हूँ, पब्लिक के साथ हूँ और जनता ने मुझे चुना है तो जनता के लिए ही हमेशा मैं समर्पित होकर काम करने का आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। संवाद 365 के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट। ये बाइट देने तक को तैयार नहीं है, मतलब गढ़वाल मंडल के मुख्यालय में इतना बड़ा गड्ढा हो गया है यहाँ पे और एक्सचेंज जो है इस पर बोलने को तैयार नहीं है, बोलते यार बहुत छोटी बात है ये। सतपाल महाराज, ये वीडियो जाना चाहिए भाई, ये तो सतपाल महाराज जी को दे, किस तरह का अधिकारी पौड़ी में भेजा हुआ है इन्होंने, हैं किस तरह का बात करने की तमीज नहीं है इससे, हैं पब्लिक इश्यू पे इस तरह से बात करेंगे, मीडिया को बयान नहीं देंगे, इस तरह के अधिकारी पौड़ी में भेजेंगे।